दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है, वहीं इसको देखते हुए कुछ राज्यों ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं की हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो आइए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार, अधिकारियों पर दर्ज होना चाहिए हत्या का केस। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर पूरा देश झेल रहा है। इस बीच मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारत को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और पीपीई भेजेगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया कोविड-19 के मामलों में ताजा उछाल से जूझ रहे भारत को तत्काल ही सहायता के रूप में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई किट भेजेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना की दूसरी लहर से देश बेहाल। कर्नाटक में लगा है 14 दिनों का लॉकडाउन। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही खुलेंगी जरूरी दुकानें। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अगले 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। ये लॉकडाउन मंगलवार रात 9 बजे से लागू होगा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि येदियुरप्पा सरकार ने इसे क्लोज डाउन बताया है। इस दौरान सिर्फ कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर को ही अनुमति होगी। सीएम ने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र से भी ज्यादा भयानक स्थिति राज्य की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली, यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में 18 साल से ज्यादा लोगों को मुफ्त में टीका देने का किया गया है ऐलान। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली इसके साथ ही उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी 1 मई से लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि बिहार राज्य में भी पहले से ही मुफ्त वैक्सीनेशन जारी है और अब नीतीश कुमार ने भी राज्य में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को निशुल्क वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली, यूपी की तरह एमपी में भी अब लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। जो भी लोग राज्य में 18 साल से अधिक आयु के होंगे उन सभी को कोरोना की वैक्सीन अब फ्री में लगाई जाएगी। और दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 1 मई से 18 साल से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। और साथ ही दोस्तों असम में भी 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन किया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि केरल में भी लोगों का निशुल्क कोरोना रोधी वैक्सीन दी जाएगी। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि क्या अब घर में भी पहनना होगा मास्क, कब आएगा कोरोना का पीक, जानिए इन जरूरी सवालों के जवाब। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में लोगों के दिलो दिमाग में इन दिनों कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब हर कोई जानना चाहता है। पहला ये कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक कब आएगा और दूसरी कि क्या अब ऐसे हालात में घर में भी मास्क पहनना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल ने कहा है कि अब समय आ गया है कि आपको घर में भी मास्क पहनने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के हल्के लक्षण दिखते हैं लेकिन रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि नहीं होती है तो भी कुछ समय के लिए क्वारंटीन में रहने की जरूरत है। वहीं अगर घर में कोई भी पॉजिटिव है तो मानकर चलिए कि आप भी संक्रमित हैं। इसलिए जरूरी है कि घर में भी मास्क का उपयोग किया जाए। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि IIT के वैज्ञानिकों ने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर अनुमान लगाया है कि भारत में महामारी की दूसरी लहर 14 से 18 मई के बीच चरम पर होगी यानी कि पीक पर होगी। इस दौरान देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 38 से 48 लाख के बीच पहुंच सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली से बिहार, इन शहरों के लिए चलेंगी 7 समर स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लगे लॉकडाउन को अब बढ़ाकर 3 मई तक के लिए कर दिया गया है। वहीं पूरे महाराष्ट्र में भी 1 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं। लॉकडाउन की घोषणा के बाद दिल्ली और मुंबई से भारी संख्या में प्रवासी कामगारों का अपने घर लौटना शुरू हो चुका है। राज्य सरकारों ने हालांकि अपील की है कि वे जहां हैं वहीं रुके, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन उन्हें लंबे लॉकडाउन का खौफ सता रहा है। उन्हें इस बात का डर है कि अभी नहीं निकले तो फिर पैदल ही उन्हें अपने घर जाना पड़ेगा, जैसा कि पिछली बार लॉकडाउन में हुआ था। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि उत्तर रेलवे ने ट्वीट करके कहा कि 27 से 30 अप्रैल तक दिल्ली से बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, जयनगर, दरभंगा और कटिहार के लिए 7 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।
और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी सदस्य के आपत्तिजनक पोस्ट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन जिम्मेदार नहीं। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले देश के लाखों ग्रुप एडमिन के लिए एक राहत भरी खबर है। अब उनके ग्रुप में किसी भी सदस्य की आपत्तिजनक पोस्ट के लिए उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा और न ही उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकेगा। एक मामले की सुनवाई करते हुए बम्बई हाई कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 31 मई तक विमानन कंपनियां नहीं बढ़ा सकेंगी किराया, मंत्रालय ने जारी किया आदेश। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि विमानन कंपनियां अब 31 मई तक किराए में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगी। पहले की ही तरह उन पर किराए को लेकर प्रतिबंध लगा रहेगा। ये जानकारी सिविल एविएशन मंत्रालय ने सोमवार को जारी अपने आदेश में दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की प्राइवेट कर्मचारियों को कोविड होने पर अब मिलेगा 28 दिन का वेतन और छुट्टी भी, योगी सरकार का ऐलान। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक प्राइवेट कर्मचारियों को कोरोना होने पर 28 दिन का वेतन और साथ ही छुट्टी भी मिलेगी। इसके अलावा चिकित्सा प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होगा। इस संबंध में सूबे के अपर मुख्य सचिव श्रम ने सभी जिलाधिकारियों मंडलयुक्तों को पत्र लिखकर इसके निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ती जिंदगियां, हरियाणा के अस्पतालों में 24 घंटे में 19 मरीजों ने गंवाई जान। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि 240 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का उत्तरी भारत का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट हरियाणा के पानीपत में होने के बावजूद प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना संक्रमित मरीज अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। किल्लत के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति समय पर नहीं होने से पिछले 24 घंटे में पलवल में 7, गुड़गांवा और रेवाड़ी में 4-4 और फरीदाबाद पानीपत के अस्पतालों में 2-2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना का कहर, केरल में नए दिशा निर्देश जारी, इन सेवाओं पर रहेगी रोक। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है। इससे केरल भी अछूता नहीं है। केरल में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कई सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और बार बंद रहेंगे। वहीं आवश्यक सेवाएं केवल शनिवार और रविवार को जारी रहेंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली को अब हर रोज ऑक्सीजन के 1000 सिलेंडर देगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों यहां पर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश अब हर रोज ऑक्सीजन के 1000 सिलेंडर रिफिल करके दिल्ली सरकार को देगा। काला अंब की कंपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी। मंगलवार से दिल्ली सरकार अपनी गाड़ियों में जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन ले जा सकेंगे। हिमाचल सरकार ने सभी 8 कंपनियों को 3 शिफ्टों में ऑक्सीजन का उत्पादन करने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मुख्यमंत्री योगी बोले, दवाई भी कड़ाई भी, इस सूत्र से मिल गई है 8 लाख लोगों को कोविड संक्रमण से मुक्ति। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को टीम 11 के साथ कोरोना स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि विगत 24 घंटों में प्रदेश में 26,719 लोग उपचार रहित होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब 8.04 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं। ये सुखद स्थिति दवाई भी कड़ाई भी के सूत्र को प्रभावी ढंग से अमल में लाने का परिणाम है। हमें टेस्टिंग और ट्रेसिंग को दुगनी क्षमता में बढ़ाने की जरूरत है। इस दिशा में कार्रवाई की जाए। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।